मंगलवार 2 अगस्त सन 2022 का दिन। इस दिन CIA की वेबसाइट पर एक अपडेट आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये अपडेट था एक आतंकी के बारे में जिसके ऊपर 16 मिलियन यूरो यानी कि 127 करोड़ रुपए का इनाम था। अपडेट ये था कि अब हमें ये आतंकी नहीं चाहिए क्योंकि हमने इसको मार गिराया है। कौन था ये आतंकी और इस अपडेट से ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया को भूचाल आ गया, तो आज जानेंगे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक इन्हीं कुछ सवालों के जवाब। तो आखिर तक साथ बने रहिए क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे इंटरनेशनल क्राइम वर्ल्ड के बहुत बड़े उस्ताद की मौत की कहानी। कहानी शुरू होती है 19 जून सन 1951 से। इजिप्ट देश की राजधानी के एक रईस घर में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है आयमन अल जवाहरी। आयमन के दादा राबिया अल जवाहरी मिडिल ईस्ट में इस्लामिक शिक्षा केंद्र के ग्रैंड इमाम थे। उसके बाद उसके पिता भी रेप्यूटेड काम कर रहे थे और उसके चाचा अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल थे। कुल मिलाकर ये परिवार शिक्षा और पैसों को लेकर पूरी तरह से संपन्न था। आपको ये बैक स्टोरी बताना बहुत जरूरी थी क्योंकि इंटरनेशनल क्राइम सीन में कई बार कई देश ये दावा करते हैं कि वो आतंकी बने सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां गरीबी थी, वो लोग पढ़ नहीं पाए इसलिए आतंक का रास्ता चुना, जबकि इस मामले में ऐसा नहीं है। अल जवाहरी की बैक स्टोरी सुनकर आप ये समझ तो गए ही होंगे कि आतंकी होने और गरीब होने में कोई समानता नहीं है। अल जवाहरी ने 15 साल की उम्र में इजिप्ट के सबसे पुराने और सबसे बड़े इस्लामिक संगठन से खुद को जोड़ लिया और इसी दौरान वो इस्लाम से जुड़ी राजनीति में भी हिस्सा लेने लगा। इस दौरान वो कई बार जेल भी गया लेकिन उसे हर बार उसके परिवार की इज्जत के कारण छोड़ दिया जाता था। कुछ इज्जत तो उसके घर वालों की थी और कुछ इस बात की भी कि वो कैरो यूनिवर्सिटी के मेडिकल डिपार्टमेंट में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। वहाँ से उसने साल 1974 में ग्रेजुएशन की और 4 साल बाद साल 1978 में मास्टर्स करके आई सर्जन में बन गया। इस समय उसके पास रास्ता था कि वो एक इज्जत का जीवन जिए और एक डॉक्टर होने के नाते अपने देश के लोगों का जीवन बेहतर बनाए। लेकिन उस समय तक आयमन इस्लामिक कट्टरवाद संगठनों की तरफ मुड़ चुका था। उसने अमन और चैन का रास्ता ना चुनकर अपने ही देश में सिविल वॉर जैसी स्थिति क्रिएट करने की कोशिश शुरू की। उसने और उसके संगठन ने ये योजना बनाई कि ये लोग सैनिकों का भेष बदलकर अपने राष्ट्रपति के सुरक्षा खेमे में जाएंगे और उनका कत्ल कर देंगे, और इन लोगों ने ऐसा किया भी। जवाहरी और उसके संगठन का कहना था कि वो इजिप्ट में पूर्ण रूप से इस्लामिक राज लाकर रहेंगे। हालांकि इस सब हत्याकांड के बाद इजिप्ट में राजनीतिक संकट धीरे धीरे खत्म हुआ और सभी हत्यारों पर केस चला और जवाहरी को देश छोड़कर भागना पड़ा। आयमन अल जवाहरी सऊदी अरब की तरफ भागा जहां से उसका दूसरा जीवन शुरू होने वाला था। दोस्तों अब तक आपने आयमन अल जवाहरी की कहानी का पहला पार्ट सुना, लेकिन ये था कौन और इसे CIA ने क्यों मारा, इस पर वापस लौटते हैं साल 2022 के 2 अगस्त पर। CIA ने अपनी वेबसाइट पर अपडेट किया कि उन्हें जिस आतंकी की तलाश थी वो अब उन्हें नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने उसे मार दिया है। ये आतंकी था आयमन अल जवाहरी। पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स पर न्यूज चल रही थी कि ओसामा बिन लादेन का राइट हैंड और अलकायदा का चीफ अल जवाहरी मारा गया, वो आतंकी जिस पर CIA ने रखा था 127 करोड़ रुपयों का इनाम। अब तक आप आयमन अल जवाहरी की शुरुआती कहानी जान चुके हैं, आप उसका अंत सुन चुके हैं, लेकिन आखिर उसने ऐसा किया क्या था जो कि CIA ने उस पर 127 करोड़ का इनाम रखा, ये कहानी अभी जाननी बाकी है। 11 सितंबर 2001 इस दिन अमेरिका में 4 प्लेन्स को अमेरिका की अलग अलग लोकेशन से हाईजैक किया गया। सबसे पहले प्लेन को 8:46 पर सुबह सुबह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में क्रैश कर दिया गया। दूसरे प्लेन को 9:03 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर पर क्रैश कर दिया गया। तीसरी फ्लाइट को पेंटागन में क्रैश किया गया और चौथी को पेंसिल्वेनिया में क्रैश किया गया। चौथी फ्लाइट को पेंसिल्वेनिया में क्रैश नहीं करना था बल्कि उसका टारगेट व्हाइट हाउस था, लेकिन फ्लाइट के पैसेंजर्स ने फ्लाइट में उत्पात मचाया और उसे किसी तरह से पेंसिल्वेनिया में क्रैश कराया गया। इस दिन पूरी दुनिया में तहलका मच चुका था क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे सुरक्षित देश होने का दावा करता है और अगर ऐसे देश में ऐसी कोई घटना हो जाए तो पूरी दुनिया की शांति पर संकट आ जाता है। राहत और बचाव कार्यों के बाद बारी थी उस आदमी को ढूंढने की जिसने ये सब कुछ किया। वो संगठन था अलकायदा। 3,000 लोगों की मौत का जिम्मेदार, और ये 3,000 लोगों की मौत ही नहीं बल्कि इन धमाकों ने पूरी दुनिया में आतंकी डर को जन्म दे दिया। लोगों की मौत भयानक थी, कुछ जलकर मरे, 200 से ज्यादा ने अपनी जान बचाने के लिए ऊंचाई से छलांग लगाई, और सबसे दुखद बात ये थी कि 400 से ज्यादा इमरजेंसी वर्कर भी मारे गए। इसमें कई ऐसे फायर फाइटर्स भी थे जो लोगों की जान बचाते बचाते खुद झुलस गए। कुल मिलाकर ये हादसा दुनिया के सबसे बुरे आतंकी हमलों में से एक था और इसने अमेरिका को एक ऐसा जख्म दिया जो कि आज तक नहीं भर सका है। इन धमाकों के बाद जांच हुई, CIA ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। अंत में अलकायदा का नाम निकलकर सामने आता है। ये नाम नया नहीं था और ना ही ये धमाके सरप्राइजिंग थे।
ये कहा जा सकता है कि इस तरह की प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी और CIA बस उन संभावनाओं को खत्म कर रहा था। अलकायदा का नाम निकला तो उस आदमी का भी नाम निकला जो कि अलकायदा की पहचान था, ओसामा बिन लादेन। अमेरिका का दुश्मन था ओसामा और अमेरिका ने उसे पाकिस्तान के अटोबाबाद में साल 2011 में मार गिराया। लेकिन आज हम 11 साल बाद ओसामा और अलकायदा की बात क्यों कर रहे हैं? उसका कारण है अयमन अल जवाहरी। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में बम धमाके हुए, उसका एग्जीक्यूशन अलकायदा और ओसामा ने किया, लेकिन इन सबके पीछे मास्टरमाइंड था अल जवाहरी। अल जवाहरी जब साल 1985 में अपने देश इजिप्ट से सऊदी अरब की तरफ भागा तो यहाँ आने के बाद उसे समझ आया कि अपने देश में आतंक फैलाने के लिए वो इन देशों में शरण ले सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश जिनका जन्म ही इस्लामिक कट्टरता के कारण हुआ, इन देशों की सरकारों और राजतंत्र की शरण में बैठकर इजिप्ट की डेमोक्रेसी को तहस नहस किया जा सकता है। उसने पाकिस्तान में एक डॉक्टर के तौर पर नॉर्मल जीवन जीना शुरू कर दिया, लेकिन बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा संगठन बन रहा था। इस संगठन की पहली करतूत साल 1993 में सामने आई। इस साल इजिप्ट के अलग अलग मंत्रियों और प्रधानमंत्री पर कई सारे हमले हुए जिनमें उनकी जानें भी गई। इसी साल इजिप्ट में दंगे भी हुए जिसमें 1200 से ज्यादा लोगों की जानें गई। इस समय तक अयमन अल जवाहरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के टारगेट में आ चुका था, लेकिन उस वक्त तक वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के लिए कोई बड़ा टारगेट नहीं था। लेकिन फिर साल आया 1997 इजिप्ट में एक टूरिस्ट प्लेस जिसका नाम लुक्सोर था। यहाँ से खबर आती है कि 62 से ज्यादा टूरिस्ट मार दिए गए हैं और इसके पीछे नाम आता है अयमन अल जवाहरी का। अगर आपने इजिप्ट के बारे में पढ़ा है तो आपको ये जरूर पता होगा कि इजिप्ट की अर्थव्यवस्था टूरिज्म के सहारे ही चलती है। अब ऐसे में जवाहरी का ये दांव इजिप्ट की अर्थव्यवस्था पर था। इजिप्ट की सरकार ने जवाहरी को फांसी की सजा सुना दी, लेकिन वो इजिप्ट में था नहीं और इस सजा से उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला था। उसके इस करतूत के बाद अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने उसकी तरफ अपनी नजरें घुमा ली। वर्ष 1997 में उस पर तरह तरह के सर्च ऑपरेशन होने शुरू हुए और वो पहुंचा जलालाबाद जहां पर ओसामा बिन लादेन रह रहा था। वहीं से इन्होंने आगे अपने संगठन को बढ़ाया और नतीजा ये रहा कि साल 2001 के बम धमाकों में 400 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई, जिसमें आम नागरिक, सुरक्षा कर्मी और प्लेन के यात्री शामिल थे। सितंबर 2001 के हमलों का ओसामा के साथ साथ जवाहरी बराबर दोषी था। उसे भी मौत की घाट उतारना उतना ही जरूरी था जितना कि ओसामा को। 2 मई 2011 को जब ओसामा को मारा गया, उसके बाद अलकायदा के चीफ की गद्दी पर अल जवाहरी बैठ गया और यहीं से शुरू हो गई CIA और अल जवाहरी के बीच की धरपकड़। आगे की कहानी जानने के लिए आते हैं साल 2021 में। अमेरिका में नए राष्ट्रपति बने जो बाइडेन। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुला लिया और सेना को बुलाने के बाद सभी को ऐसा लगा कि शायद अब अमेरिका अफगानिस्तान में किसी भी गतिविधि में हिस्सा नहीं लेगा। अमेरिका और दुनिया भर के लोगों ने अमेरिका को कोसना शुरू कर दिया क्योंकि अमेरिकी सेनाओं की उपस्थिति विवादित तो थी, लेकिन उससे अफगानिस्तान में एक शांति बनी हुई थी। ये शांति डरावनी भले ही थी, लेकिन कुछ न होने से कुछ होना बेहतर था। हालांकि अमेरिका ने अपनी सेना को वापस बुला लिया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो अफगानिस्तान से सेना को वापस बुला रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी तरह से अफगानिस्तान में आतंकवाद को पनपने देंगे। बाइडेन के इस बयान का उस समय किसी पर फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका बेस्ड गवर्नमेंट गिर चुकी थी और तालिबान की सरकार बन चुकी थी। इन सब के दौरान एक रिपोर्ट CIA के अधिकारियों तक पहुंची जिसने सबके कान खड़े कर दिए। रिपोर्ट ये थी कि तालिबानी सरकार के आने के बाद अफगानिस्तान आतंकियों का अड्डा बनने लगा है और जवाहरी फिर से अफगानिस्तान में वापस आ चुका है। अफगानिस्तान से सेना वापस गई थी, लेकिन अमेरिकी जासूस अभी भी वहीं थे। ओसामा को मरे हुए अब तक 11 साल हो चुके थे और जवाहरी को अब तक मारा नहीं जा सका था। इस खबर ने अमेरिका के जख्मों को हरा कर दिया और इस खबर के बाद खोज को और भी तेज की गई। जवाहरी अफगानिस्तान वापस आ चुका था और अब उसे तालिबानी सरकार पर इतना भरोसा था कि उसने बीहड़ में जाकर रहने की बजाय शहर के बीचों बीच रहना शुरू कर दिया। वो काबुल में एक बड़े बंगले में रहने लगा जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें थी और जवाहरी को लग रहा था कि अमेरिका अब उसे इन दीवारों के पीछे पकड़ नहीं सकता। अमेरिकी जासूसों ने पता लगाना शुरू किया और पता चला कि जवाहरी यहाँ एक एम्बेसडर बनकर रह रहा है। ये पूरा इलाका एम्बेसी वाला इलाका था। उसके घर से एक महिला ही सब कुछ ऑपरेट करती थी और पता लगाने पर पता चला कि ये जवाहरी की ही पत्नी थी जो कि सिक्योरिटी का पूरा जिम्मा संभाल रही थी। जवाहरी का ये घर यूनाइटेड किंगडम की एम्बेसी से 1 किलोमीटर और US की एम्बेसी से तकरीबन 3-4 किलोमीटर की दूरी पर था। ऐसे में
रिस्क लेना मुश्किल था। इससे पहले एक ड्रोन स्ट्राइक में कुछ मासूम लोग भी मारे गए थे और इस वजह से इस बार जो भी करना था बहुत हिसाब से करना था। मई जून और जुलाई में रूस यूक्रेन के युद्ध में बिजी रहने के कारण बाइडेन ने जुलाई के एंड में जवाहरी को मारने का प्लान डन किया और ये निर्देश भी दिया कि कोई मासूम नहीं मरना चाहिए। अब अल जवाहरी को मारने की पूरी जांच पड़ताल शुरू हो गई। इस पड़ताल में सबसे अहम बात ये थी कि जवाहरी ने कभी भी घर के बाहर कदम नहीं रखा और वो कभी कभी बालकनी में आता था, जिस पर गौर किया गया। पूरी तरह से सब कुछ स्पष्ट होने के बाद इसे मारने की प्लानिंग की गई। इसके बाद खुद बाइडेन ने खुद इस ऑपरेशन पर ध्यान रखा और हर चीज को ध्यान में रखते हुए मारने का प्लान बनाया गया। इस मिशन की खास बात ये थी कि इसमें जवाहरी के अलावा किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं हुई और यहाँ तक कि उसके घर वालों को भी इसके बारे में पता नहीं चला। इस पूरे ऑपरेशन में उसके बालकनी में आने के पैटर्न पर खास ध्यान दिया गया और उसके हिसाब से ही ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसके बाद सुबह जब वो बालकनी में आया तो अमेरिका के ड्रोन ने उस पर हमला किया। अमेरिका के ऑपरेशन के समय अल जवाहरी बालकनी में खड़ा था। अमेरिका ने हेल फायर मिसाइल से सटीक निशाना लगाया और आतंकी को मार गिराया। उस पर खास मिसाइल के जरिए हमला किया गया था और अमेरिकी सरकार ने आतंक की एक और जड़ काट दी। बाइडेन ने जवाहरी की मृत्यु के बाद कहा कि न्याय हो चुका है, ये शहीदों के लिए असली श्रद्धांजलि थी। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।